कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं डॉज क्वाइन के बारे में, और डॉज क्वाइन के थोड़े फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है डॉज क्वाइन का? क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे इस टाइम पे हमको दिख रही है, वो दिख रही है इलॉन मस्क का ट्विटर को टेक ओवर करना। ठीक है, इस टाइम पे बहुत अच्छी हाइप चल रही है और डॉज क्वाइन ने फिर से यहाँ पे अपना नया जो है हाई लगाया है। मतलब काफ़ी महीनों के बाद जो है बैक टू बैक हाई लग रहा है। और आज इलॉन मस्क का फाइनली एक ट्वीट आया डॉज क्वाइन के लिए, और उस ट्वीट के मायने भी समझेंगे। उस ट्वीट के मायने अगर हम समझें तो सीधा सीधा आप एक इशारा समझ लो कि ट्विटर के जरिए जितना डॉज क्वाइन को पुश कर सकते हैं वो करेंगे। जितना डॉज क्वाइन को वो ट्विटर के जरिए जितना बेनिफिट मिल सकता है डॉज क्वाइन को वो उतना करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ उन्होंने इस ट्वीट से बता दिया है ना। और आज फिर से 30% की पंप आ गया डॉज क्वाइन के अंदर, और 0.1588 का हाई लगा दिया है ना। मतलब 12 रुपीज़ पे डॉज क्वाइन के प्राइस अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं 12 रुपये पे। और 1 वीक पहले अगर आपने क्वाइन खरीदा होता डॉज क्वाइन तो सिर्फ 5 रुपये का था, 5 रुपीज़ से 12 रुपीज़ पे आ गए। मतलब 150% का जो प्रॉफिट है पूरा पूरा यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, और 150% पंप कर गया इलॉन मस्क की ट्विटर डील के, इलॉन मस्क के ट्विटर बॉस बनते ही। ठीक है, जैसे ही मतलब अगर आप देखो इलॉन मस्क ट्विटर बॉस बने हैं तो डॉज क्वाइन किस तरह से पंप हो रहा है। डॉज क्वाइन भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कितना बड़ा यहाँ पे काम हुआ है। बिल्कुल बड़ा काम तो हुआ है, और ये चीज़ हम पिछले काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि इलॉन मस्क जब जब कुछ भी हाइक ऐसा करेंगे तो डॉज क्वाइन में रैली देखने को मिलेगी। और डॉज क्वाइन ने फाइनली 5 रुपये से 12 रुपये तक की जो छलांग है, जो जंप है, वो लगा दिया। 30% आज फिर से ऊपर चल रहा है। और ट्वीट में इलॉन मस्क ने क्या बताया, उस ट्वीट के जरिए अगर हम समझे, देखो ट्विटर टेक ओवर कर लिया है, और ट्विटर के जरिए अगर कुछ यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड के लिए अगर यूज हो पाएगा डॉज क्वाइन तो वो भी किया जाएगा है ना। ट्विटर की किसी भी सर्विस, चाहे वो सब्सक्रिप्शन सर्विस हो है ना, तो जो भी सर्विस है उनके लिए डॉज क्वाइन की पेमेंट और साथ के साथ डॉज क्वाइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्लियरली अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ट्विटर के जरिए देखने को मिलेगा। और ट्विटर से पूरा सपोर्ट इलॉन मस्क करेंगे डॉज क्वाइन को। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मैं तो डॉज क्वाइन को सपोर्ट करता रहूँगा, पहले भी कह चुके हैं, खुल्लम खुल्ला ट्वीट के अंदर कह चुके हैं मैं डॉज क्वाइन के साथ खड़ा हूँ, डॉज क्वाइन को सपोर्ट करता रहूँगा। और जब तक खड़े हैं भैया फिर तो डॉज क्वाइन उड़ता ही रहेगा, जब जब ट्वीट करेंगे, जब जब कुछ ऐसा करेंगे। अभी तो ये सोचो आप, जब बैक टू बैक ट्वीट्स आते थे ना इलॉन मस्क के, मतलब अगर हम थोड़ा पीछे चले 1-1.5 साल पीछे चलें, जब डॉज क्वाइन की वैल्यू नथिंग कुछ भी नहीं थी, डॉज क्वाइन सीधा 54 रुपीज़ पे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क की बदौलत पहुंच गया। और जब इलॉन मस्क ने इतने बैक टू बैक ट्वीट किए उस टाइम पे तो कितनी बड़ी रैली आई, आप देखो कितनी बड़ी रैली थी। वैल्यू 1 रुपये पे भी नहीं थी और सीधा 54 हिट कर दिया। तो इलॉन मस्क के ट्वीट को आप हल्के मत लीजिएगा सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने हल्के में लिया होगा वो बिल्कुल बड़ा प्रॉफिट मिस कर गए, क्योंकि डॉज क्वाइन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे। और एक बार फिर से ये हिस्ट्री रिपीट कर दी, क्योंकि इलॉन मस्क कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कुछ भी ट्वीट, कभी भी बैक टू बैक ट्वीट्स भी आ सकते हैं है ना। तो डॉज क्वाइन पे फोकस कर रहे हैं तो इलॉन मस्क पे ही फोकस करना पड़ेगा। और देखें तो फ्यूचर हमको ब्राइट लगता है डॉज क्वाइन का, क्योंकि इतना बड़ा बिलियनियर, 4 कंपनी के मालिक हैं, 4 हो गई हैं, पहली टेस्ला, स्टारलिंक, स्पेसएक्स और ट्विटर, STST है ना। तो इन 4 कंपनी के मालिक बिलियनियर, एक बिलियनियर कॉइन के साथ एक इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कॉइन को एक बिलियनियर का, तो भैया कुछ तो बात होगी, कुछ तो बड़ा होगा डॉज क्वाइन के अंदर, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो बिलीवर है इलॉन मस्क, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं ना क्रिप्टो बिलीवर, एक बड़े बिलियनियर का सपोर्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री को, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सपोर्ट है डॉज क्वाइन को। तो डेफिनेटली डॉज क्वाइन का फ्यूचर हमको तो लग रहा है ब्राइट। और आप भी डॉज क्वाइन को, अभी देखो इतना प्राइस सर्ज हुआ है तो थोड़ा करेक्शन भी डॉज क्वाइन में देखने को मिल सकता है,
$1 एकदम से नहीं चला जाएगा, थोड़ा करेक्शन दिखाएगा, तब आप जो है अपनी एंट्रीज बना सकते हो। लेकिन अभी इस प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, है ना। जब प्राइस यहां से उठ के यहां पहुंच गया तो यहां पे अगर खरीदोगे तो कभी भी नीचे आ सकते हो, इसीलिए कह रहा हूं फोमो नहीं करना है। एंट्री लेने का मौका भी देते हैं कोई, मिलेगा मौका, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है अभी भी, है ना। तो $1 अपना ऑल टाइम हाई तभी टच करेगा जब मार्केट में अच्छे मोमेंटम बनेंगे, बिटकॉइन की अच्छी रैली दिखेगी, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। अभी पॉसिबल नहीं हो सकती, एक शर्त पे पॉसिबल हो सकती है, इलॉन मस्क पीछे पड़ जाए हाथ धो के, तो मतलब इलॉन मस्क पीछे पड़ जाए और ट्वीट कर दें बैक टू बैक, तब कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है डॉज कॉइन को होती हुई दिख सकती है। लेकिन अभी ट्वीट मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक ट्वीट इलॉन मस्क के आएंगे, लेकिन ट्विटर के जरिए जो सपोर्ट है वो डॉज कॉइन को मिलता रहेगा, और जैसे जैसे ये सपोर्ट मिलेगा डॉज कॉइन को, डॉज कॉइन अच्छा करता रहेगा, है ना। तो यही चीज़ है समझने की। तो आज भी ट्वीट आ गया इलॉन मस्क का, फाइनली इतना पंप करने के बाद आज ट्वीट आया है ना। तो आगे जो अपडेट रहेंगी इलॉन मस्क को लेके और डॉज कॉइन को लेके, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक है, वहाँ भी शेयर करते रहेंगे, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। और जिन लोगों ने ₹5 पे डॉज कॉइन को लिया है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, ठीक है। दोबारा ₹5 चला जाएगा, 150% नीचे चला जाएगा, वो चीज़ थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट आने वाले टाइम में क्रैश होती है फिर चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन इतना पंप आने के बाद फिर से उसी लेवल पे चला जाए तो वो थोड़ा सा डॉज कॉइन के लिए हमको नहीं लग रहा कि डॉज कॉइन फिर से ₹5 का लेवल दिखा देगा आपको, है ना। लेकिन देखने को मिल भी सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट आगे कैसा चलता है। मार्केट ठीक ठाक चलेगा तो डेफिनेटली डॉज कॉइन भी आपको 10-12 की जो रेंज है वो इसमें ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, 9-10 इस रेंज में, है ना। ₹5 शायद ही अब आपको देखने को मिले डॉज कॉइन के प्राइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, तो टेक केयर, बाय।